गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज डी ऑफ द चैप्टर इज द स्काई फॉलिंग। चैप्टर फोर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम आज। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर बताऊंगी, फिर मैं आपको फोटो भेजूंगी, आप आंसर्स लिखना अपनी होमवर्क कॉपी में। आई विल टेल यू द आंसर्स, रिपीट द आंसर्स आफ्टर मी। एक्सरसाइज डी, आंसर दीज क्वेश्चंस। पेज नंबर 27, ओपन योर बुक द मैजिक कारपेट। पेज नंबर 27, एक्सरसाइज डी, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड अदिति लव टू प्ले? आंसर इज अदिति लव टू प्ले इन द पार्क, पी ए आर के। मैंने पार्क लिखा है यहाँ पर, देखिए पी ए आर के, अदिति लव टू प्ले इन द पार्क। सेकेंड क्वेश्चन, हु वर अदिति's फ्रेंड्स? अदिति के फ्रेंड्स कौन कौन थे बच्चों? यस, अदिति's फ्रेंड्स वर दीप एंड जैन, डी डबल ई पी, दीप एंड जैन, जेड ए आई एन। अदिति's फ्रेंड्स वर दीप एंड जैन। देन थर्ड, वॉट फेल ऑन अदिति's हेड व्हेन शी वॉज प्लेइंग? What fell on Aditi's head when she was playing? A big ripe mango fell on Aditi's head when she was playing. Answer is, all of you repeat after me, a big ripe mango fell on Aditi's head when she was playing. Fourth and the last question, what did Aditi think had fallen on her head? What did Aditi think had fallen on her head? Answer will be, Aditi thought that a piece of the sky had fallen on her head. Fourth answer, Aditi thought that a piece of the sky had fallen on her head. So all of you, write the question and answers in your homework copy and complete the exercise D, answer these questions. सब कोई exercise D complete करिएगा, अपनी homework copy में लिखिएगा।